हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस ऑर्बिट। और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। आपने हमारी लास्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिस्ट्री और प्रेजेंट के बारे में जाना, यानी कि क्या हिस्ट्री रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पीछे, कितनी उसमें समितियाँ वगैरह थी, और प्रेजेंट में वो किस फेज में है, कितने उसके अंदर आर्टिकल्स हैं, कितनी शेड्यूल्स हैं, कितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड है और कितने अमेंडमेंट्स उसमें हो चुके हैं। ठीक है गाइस, तो जैसा आपने लास्ट वीडियो में जाना था कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और हम इनको अपनी सारी वीडियोस में पार्ट वाइज कवर करेंगे। जैसे जैसे पार्ट्स कवर होते जाएंगे वैसे वैसे ही आर्टिकल कवर होते जाएंगे, राइट। तो आज हम इसके फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, एंड सेकेंड जो हमारा पार्ट है उसका नाम है सिटीजनशिप। ठीक है गाइज, तो ये जो हमारा पहला पार्ट है वो रहेगा आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, और जो हमारा दूसरा पार्ट है वो रहेगा आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम पार्ट 1 करेंगे तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 भी पूरे हो जाएंगे, और जैसे हम पार्ट 2 करेंगे तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 हो जाएंगे। इस तरह से जब तक पार्ट 22 हमारे पार्ट कंप्लीट होंगे तो सारा का सारे जो आर्टिकल है 395 वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है गाइज, और शेड्यूल्स को हमारी जो बाद की वीडियो होंगी हम उसमें कवर अप कर लेंगे। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज गाइज, जब तक ये पूरी वीडियोस आप देखने वाले आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो होते तो लास्ट में हैं लेकिन उनका उनका यूज पहले होता है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल लाइक आपातकालीन रिलेटेड आर्टिकल, आर्टिकल 360 जो संशोधन से रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका ये वीडियोज या आपका ये लेसन पूरे होते जाएंगे आपको सारे के सारे पीछे और आगे सब कुछ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा, आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। और अगर आपके कोई डाउट्स फिर भी रहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके जो भी आंसर्स जो भी क्वेश्चन हैं उनके आपको आंसर दूंगा। ठीक है, और अब बात करते हैं हमारे आर्टिकल 1 से। तो बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की, जिसका नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इसमें है हमारे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ओके गाइस, तो पहले आर्टिकल पाते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि नेम एंड द टेरिटरीज ऑफ द यूनियन, ये आर्टिकल है, और उसके अंदर पॉइंट्स डिफाइन है। ठीक है, और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो सिंपल एक ही लाइन में होते हैं, एक ही आर्टिकल होता है, उनमें कोई पॉइंट सब पॉइंट या पॉइंट्स नहीं होते हैं, और कुछ आर्टिकल्स में सब पॉइंट्स या पॉइंट्स होते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो सारे राज्य हैं वो एक यूनियन में होंगे, वो एक खुद को अलग नहीं कर सकते किसी भी तरह से। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो भारत के स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज वगैरह होंगे वो जो फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन होंगे वही रहेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नया राज्य हम चेंज करते हैं, उसका नाम वगैरह नाम चेंज करते हैं, बाउंड्रीज चेंज करते हैं, या कोई नया राज्य भारत में शामिल होता है, तो उसको पहले फर्स्ट शेड्यूल में हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, देन वो इस हमारा जो सेकंड पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कहता है द टेरिटरीज ऑफ द इंडिया शैल बी कंप्राइज, मतलब कि भारत की जो टेरिटरीज है राज्य क्षेत्र है वो इस तरह के होंगे जो कि इन तीन सब पॉइंट में डिफाइन है। पहला रहेगा स्टेट्स टेरिटरीज, जो भारत के 29 राज्य हैं उनकी जो राज्य क्षेत्र है, एक तो वो रहेंगे भारतीय राज्य क्षेत्र में, दूसरे रहेंगे यूनियन टेरिटरीज यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश, जैसा आप जानते हैं दिल्ली हुआ, हमारा दमन एंड दीव, चंडीगढ़, इस तरह के जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, एक वो रहेंगे। ये कौन से टेरिटरीज रहेंगे जो फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया फर्स्ट शेड्यूल ही इस बात सारा उसमें ये टेरिटरीज हैं। और जिस शेड्यूल हम आपको बताएंगे पहले हमारे जितने पार्ट्स हैं वो कंप्लीट होने के बाद जो शेड्यूल्स की वीडियो आएंगी आप उसको जब देखेंगे तो उसके बाद आपको सारा कुछ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड क्या कहता है कि सच अदर टेरिटरीज एज मे बी अक्वायर्ड, मतलब कि ऐसे टेरिटरीज जो अक्वायर किए जाएंगे फ्यूचर में या किए जा सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये जो
पॉइंट्स ये उस टाइम की हैं जब इंडिया आजाद हो रहा था, बहुत से ऐसी रियासतें थी जो इंडिया में शामिल नहीं थी, तो ये पॉइंट उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट के अंडर में उनको भारतीय संघ में या भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाना था। और आज के टाइम पे अगर हम लें, जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान को एक्वायर कर लेता है, तो इसी पॉइंट के थ्रू इंडिया में उसको शामिल किया जाएगा। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जोक्स जोक्स अपार्ट। ओके, क्योंकि इंडिया की कोई विस्तारवादी नीति नहीं है, ठीक है। और ये आपका आर्टिकल 1 कंप्लीट हो चुका है। अब तो बात करते हैं आर्टिकल 2 की, जो कहता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि किसी नए राज्य का भारतीय राज्य संघ में प्रवेश या स्थापना, ठीक है। तो अगर इंडिया के कोई आउट जो अभी भारत का राज्य क्षेत्र है, अगर उससे बाहर का कोई भी राज्य या कोई भी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र अगर भारत में उसको शामिल किया जाता है, तो इसी आर्टिकल 2 के थ्रू हम उसको शामिल कर सकते हैं, ठीक है। जिसे सिक्किम को भारत के आजाद होने के बाद भारत में शामिल किया गया था। उसके अलावा भी बहुत सारी रियासतें थी या बहुत सारे एक ऑटोनोमस बॉडीज थी जिनको भारत में बाद में शामिल किया गया था, तो आर्टिकल 2 के थ्रू ही शामिल किया गया था, ठीक है। तो आर्टिकल 2 इसलिए है। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की, जो कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी कि नए राज्यों को अगर आप बनाना चाहें, नए राज्य किस तरह से बन सकते हैं, या तो हम एक राज्य से दो राज्य को बना दें, या किन्हीं दो राज्यों में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल के एक तीसरा राज्य बना दें, या किन्हीं दो राज्यों को एक राज्य में मिला दें, या किसी नए एक किसी राज्य का नाम चेंज कर दें, उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर दें, ठीक है। तो अगर ये सब कार्य किए जाते हैं वो आर्टिकल 3 के थ्रू किए जाते हैं, अंडर द आर्टिकल 3 किए जाते हैं। जैसे कि अभी अब रिसेंटली जो हुआ था, आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्यों में बांट दिया गया था, ठीक है। तो गाइस देखिए, इसके लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें क्या होता है कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो एक बिल ड्राफ्ट करती है, बिल ड्राफ्ट करती है, ठीक है। इस बिल में क्या होता है कि पूरा सब कुछ ब्यौरा होता है कि किस तरह से एक, सपोज कीजिए हम एक आंध्र प्रदेश को एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें आंध्र प्रदेश को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इस बिल में क्या होगा कि आंध्र प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको बांटा जाएगा कि हाँ इतने डिस्ट्रिक्ट एक्स डिस्ट्रिक्ट रहेंगे आंध्र प्रदेश में, वाई डिस्ट्रिक्ट रहेंगे तेलंगाना में। साथ ही साथ इसमें यह भी डिफाइन होता है कि इनकी कैपिटल्स कहाँ रहेंगी, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या रहेगी, तेलंगाना की कैपिटल क्या रहेगी, ठीक है। तो इन सबको इस बिल में होता है, इस बिल को हम भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर उसके बाद प्रेसिडेंट अगर इस बिल को परमिशन देते हैं, ठीक है, तो वो इस परमिशन को अगर देते हैं तो वो इस बिल को भेजते हैं, फिर अपनी परमिशन देने के बाद जो भी इफेक्टिव असेंबली है, जैसे कि यहां पे हमारे केस में आंध्र प्रदेश को इस बिल को भेजा जाएगा। देखिए, उनसे हाँ या ना पूछने के लिए नहीं भेजा जाएगा कि आप इस बिल को पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो राइट्स होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के होते हैं, वो किसी राज्य को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उनके एक रिव्यू लेने के लिए दिया जाता है कि आप कुछ इसमें आप अपना एडवाइस देना चाहते हैं या आप कोई रिव्यू चाहते हैं, अगर आपको कुछ एक आप अगर कुछ कहीं पे मतभेद है, विरोध है, आप बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट चाहेगी, उसको अगर अच्छा लगेगा तो वो उनको सम्मिलित कर सकती है उस बिल में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जितने भी एनडीज राष्ट्रपति इस असेंबली को देते हैं, उसने ही दिनों में उस बिल को उन्हें वापस प्रधान अपने हमारे राष्ट्रपति के पास भेजा होता है, भेजना होता है। जैसे वो बिल राष्ट्रपति के पास आ जाता है, तो राष्ट्रपति जब भी संसद का सत्र शुरू होता है वो उस बिल को पार्लियामेंट में रखवा देते हैं, ठीक है गाइस, और पार्लियामेंट में रखा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल मेजर थी जिसको कहते हैं 50%+1, यानी कि जितने भी संसद के सदस्य हैं उसके आधे से एक अधिक की मेजोरिटी के साथ ही इस बिल को पास कर दिया जाता है। और इस ये बिल एक एक्ट की तरह यूनियन गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, मतलब कि जो बिल में पास हुआ है वो उसी तरह के राइट्स यूनियन गवर्नमेंट को मिल जाते हैं, उन्हीं के अनुसार यूनियन गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है, यानी कि हमारे केस में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को वो अपने अकॉर्डिंग जो भी उनको अधिकार मिलेंगे उस पार्ट्स में वो डिवाइड कर सकती है। ये होता है एक मैकेनिज्म आर्टिकल 3 का, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 4 कहता है
लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंट इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंटली मैटर्स, यानी कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के थ्रू जो भी शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल फोर, देखिए शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल फोर को हम आपको बाद में, जब हमारे आर्टिकल्स खत्म हो जाएंगे, जब शेड्यूल्स की वीडियो आएंगी तो हम उसको आपको बाद में बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको सारा का सारा जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको जो भी मैटर्स हैं आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के थ्रू जो भी हमारी शेड्यूल फर्स्ट या शेड्यूल फोर्थ में जो भी चेंजेस होंगे उनको हमारे संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कि उनको एक संविधान में संशोधन के अंडर में नहीं लिया जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 4। तो ये हमारा यहाँ पे अपना पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने पार्ट सेकंड की ओर। तो गाइज अब बात करते हैं पार्ट सेकंड की, जिसका नाम है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, जिसमें हम बात करेंगे कि कोई व्यक्ति किस तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है या भारत की नागरिकता छोड़ सकता है, या इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से उसको भारत की नागरिकता उससे छीन सकती है। ठीक है, और ये जो पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा 5 to 11, मतलब आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 5 का आते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है, सिटीजनशिप एट द कमिसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान जब प्रारंभ हुआ था या बना था उस टाइम पे सिटीजनशिप लोगों को कैसी दी गई, कौन कौन लोग सिटीजनशिप को ऑटोमेटिकली ले पाएंगे, तो उसके तीन ऑप्शंस हैं। एक तो बाय बर्थ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही भारत में रह रहा है जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय, उसको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा, वो लोग जिनके माता पिता भारत में रह रहे हैं संविधान के प्रारंभ होने के समय, याद रखिए ये संविधान के प्रारंभ होने के समय के लिए है आर्टिकल 5। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जिसके माता पिता भारत में रह रहे हैं ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तीसरे, वो लोग जो 5 साल से उस समय यानी कि 1949 के से 5 साल पहले तक जो भारत में रह रहे हैं उनको भी ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ये कहता है आर्टिकल 5। अब आते हैं आर्टिकल 6 पे, जो कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि ऐसे लोग, क्योंकि आप जानते हैं कि उस टाइम पे बंटवारा हुआ था और लोगों का माइग्रेंट हुआ था, इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान गए थे, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे, तो उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए आर्टिकल 6 है। इसमें उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से, जो अब आज आज का पाकिस्तान है, उस क्षेत्र से जो लोग भारत आए थे उनको पाकिस्तान भारत की नागरिकता इस आर्टिकल के थ्रू मिली थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक डेट लिखी है, वो डेट है 19 जुलाई 1947। ठीक है, इस डेट से पहले जितने भी लोगों ने इंडिया पाकिस्तान से इंडिया में आवर्जन किया है, माइग्रेट हुए हैं, उन लोगों को ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ये कहता है आर्टिकल 6। अब आते हैं आर्टिकल 7 पे, जो कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ठीक है, इसमें है आर्टिकल 7 कहता है कि उन लोगों से जो पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं उनकी उनमें से कुछ ऐसे सर्टेन माइग्रेंट्स होंगे जिनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। वो माइग्रेंट्स कौन से होंगे, वो होंगे कि जिन्होंने 1 मार्च 1947 को दोबारा पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, यानी कि ऐसे लोग जो पहले इंडिया से पाकिस्तान गए थे, राइट। देखिए सपोज कीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी इंडिया में हैं, जब आवर्जन या माइग्रेशन चल रहा है, कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले तो इंडिया से पाकिस्तान चले गए। ठीक है, और वो 1 मार्च 1947 के बाद फिर से, मतलब एक जो 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान गए थे पाकिस्तान में रहने के लिए, ठीक है, और उसके बाद वापस इंडिया आ गए, उन लोगों को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। और अगर 1 मार्च 1947 से पहले चाहे कोई कितनी बार इंडिया से पाकिस्तान गया हो या पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुआ हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 1 मार्च 1947 के बाद कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुआ है देन दोबारा से पाकिस्तान से इंडिया को माइग्रेट हुआ है उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 7। सो अब बात करते हैं आर्टिकल 8 की, जो कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब कि ऐसे लोगों की जो उस टाइम पे इंडिया से बाहर रह रहे हैं या अभी भी इंडिया से बाहर रह रहे हैं उन लोगों की इंडिया की सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। ठीक है,
तो इसमें कहा गया है कि जितने भी ऐसे व्यक्ति जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, अगर उनके माता पिता इंडिया में रह रहे हैं और वो कभी कभी वो भी इंडिया आते हैं, तो इंडिया की नागरिकता उनको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये थी कि उनके जो माता पिता हैं या उनके जो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर हैं, वो इंडिया एक्ट, यहाँ पे आप मेंशन कर देता हूँ, इंडिया एक्ट 1935, जो इंडिया एक्ट 1935 में जो इंडिया डिस्क्राइब है वो उसके रेजिडेंस होने चाहिए। इंडिया एक्ट 1935 में जो इंडिया था, आप जानते हैं कि ये हमारा इंडिया का पाकिस्तान वाली साइड है, ठीक है, इट्स नॉट ए फुल मैप, ये पाकिस्तान वाली साइड है, और आप जानते हैं कि फिर यहाँ से पाकिस्तान था। तो ये जो इंडिया एक्ट 1935 का जो क्लॉज डाला गया है वो इसलिए है कि मान लीजिए पाकिस्तान और इंडिया के अलावा अगर कोई और उस टाइम की कंडीशन का फायदा उठा के, जो माइग्रेशन हो रहा था, सपोज कीजिए कोई नेपाल से, भूटान से या श्रीलंका से, कहीं से भी इंडिया में माइग्रेट हो सकता था, इट्स अ वेरी इजी कंडीशन, ठीक है, तो उस चीज को दूर करने के लिए इंडिया एक्ट 1935 का क्लॉज डाला गया था, जिससे कि सिर्फ पाकिस्तान, इस समय के पाकिस्तान और इस समय के भारत के ही नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाए। तो गाइज, जहां पे भी इंडिया एक्ट 1935 आपको पार्ट सेकंड में मिलेगा, अगर आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे, मान लीजिए आप मैम लक्ष्मीकांत या बी एर एक्ट ही पढ़ रहे हैं, तो आपको जहां पे भी लगे कि इंडिया एक्ट 1935 है, इसमें इस पार्ट सेकंड में मेंशन है, वो इसी चीज के लिए है, इस चीज को दूर करने के लिए कि कोई और किसी और देश का नागरिक भारत की नागरिकता ना प्राप्त कर पाए, इसलिए इंडिया एक्ट 1935 को डाला गया है। तो मैं आपको आर्टिकल 8 को दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि ऐसे नागरिक जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं लेकिन उनके माता पिता या उनके ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर इंडिया के रेजिडेंट रहे हैं, कौन से इंडिया के, जो इंडिया एक्ट 1935 में डिस्क्राइब है, यानी कि भारत या पाकिस्तान, आज का भारत या आज के पाकिस्तान के नागरिक थे, उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब आते हैं आर्टिकल 9 पे, जो कहता है कि पर्सन्स वॉलेंटरली अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने किसी दूसरे राज्य या किसी विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है, उनकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म कर दी जाएगी, ठीक है, मतलब कि उनको तो कोई दोहरी नागरिकता नहीं मिलेगी, या तो वो इंडिया के सिटीजन रहेंगे या फिर किसी और देश के, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए कोई इंडिया से जाके यूएसए में रहने लग गया है और उसको यूएसए की उसने नागरिकता ले ली है, तो इंडिया की नागरिकता उसकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 10 पर, जो कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता के अधिकार का जारी रहना या कंटिन्यू होना। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि ऊपर के जो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 9 तक जितने भी कंडीशंस हैं, उनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन को कोई भी व्यक्ति फुलफिल करता है, उसकी नागरिकता हमेशा बरकरार रहेगी, या ऐसी कोई भी लॉ जो संसद बनाती है उसके थ्रू अगर वो उसको फुलफिल करता है, तो उसकी नागरिकता हमेशा के लिए बरकरार रहेगी, जब तक कि वो इनमें से किसी का भी हनन नहीं करता है। और आर्टिकल 11 भी ऑलमोस्ट सेम है, जो कहता है कि ऊपर के कोई भी आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 10 तक कोई भी आर्टिकल संसद को नागरिकता के संबंध में कोई भी अधिनियम बनाने से नहीं रोकेगा, उसके राइट्स को नहीं काटेगा, ठीक है, यानी कि अगर संसद चाहे तो इनमें से किसी भी आर्टिकल को ओवरलैप कर सकती है। सो गाइज, आज हमने कवरअप किया है पार्ट 1, ठीक है, जो था भारत के राज्य क्षेत्र, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के पास किस तरह के राज्य क्षेत्र हैं, किस तरह से भारत एक राज्य को दो राज्यों में चेंज कर सकता है, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, दो को एक राज्य में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी की सीमा को चेंज कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं, ठीक है, ये था हमारा पार्ट 1 में, ठीक है। और अब पार्ट 2 में, जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम नागरिकता, भारतीय नागरिकता किसको, किसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है, वो छोड़ सकता है, या भारत की गवर्नमेंट किस तरह से किसी नागरिक को उस भारत की नागरिकता छीन सकती है, ठीक है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो रहेगा पार्ट 3, ठीक है, उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है सक्सेस ऑर्बिट, और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स को हेल्प करना चाहिए, अगर आपको एक अच्छी वीडियो मिल रही है, आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको इन सब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, और हो सके तो मैं आपको 100% हेल्प करूंगा। थैंक यू।